चाहती हूँ, ये बात मैं दिल से साबित करना चाहती हूँ, बस एक मौके की तलाश है। हेलो गाइस, वेलकम टू मनीकांत ब्लॉग। तो कल हमारे पति देव जा रहे हैं बेंगलोर कुछ महीनों के लिए और हमें यहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हैं। और अगले महीने 8 मई को उनका बर्थडे है, तो सोचा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर देते हैं। वो तो अपने बर्थडे पे यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो इसीलिए उनके बर्थडे के लिए थोड़ी रूम डेकोरेशन कर रहे हैं हम सब साथ मिल के। हम सब साथ मिलकर रूम डेकोरेशन कर रहे हैं और कैसे कैसे हम डेकोरेट करेंगे, कैसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे उनका बर्थडे। बहुत सारे सरप्राइज जिसमें देने हैं, तो आपको धीरे धीरे करके हम सारी अपडेट्स देते रहेंगे, हम कैसे कैसे क्या क्या डेकोरेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको दिखाते रहेंगे कैसा कैसा है, उनको कैसा लग रहा है। आई होप उन्हें अच्छा लगेगा। सुनो ना, आज आपसे एक दिल की बात कहनी थी। पता है, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, काफी कुछ बदला है। हमेशा से स्टेबल नहीं थी, जिसे नहीं पता था कि कैसे डील करना है उसे अपनी प्रॉब्लम से। फिर पता है, एक दिन आपसे मुलाकात हुआ और हर मुश्किल घड़ी में आपने मुझे संभाल लिया। कितनी बुरी आदतें थी मेरे अंदर, कितनी भटकी हुई थी मैं, आज मेरा रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे सच की मंजिल कितनी दूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मंजिल तक का जो सफ़र है ना, वो आपके साथ हो, क्योंकि साथ आपका सबसे खास है। आपके साथ चलने में एक सुकून महसूस होता है मुझे भले ही हाथों में हाथ ना हो, पर आपके आसपास होना बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मुझे जो आज आपके लिए महसूस हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ना जाने क्यों, मुझे कोई उम्मीद नहीं किसी भी तरह की। मैं बस चाहती हूँ तो इतना कि आप खुश रहो, आपका चेहरा हंसता खिलखिलाता रहे, झूमता मुस्कुराता रहे। मुझे और किसी चीज की गुजारिश नहीं है खुदा से। मेरे इन जज्बातों को कभी कोई नहीं बदल सकता, वो आपके लिए है और हमेशा आपके लिए ही रहेंगे। आप चाहो तो एक बार मुझ पे भरोसा करके देखो, मैं आपके भरोसा जीतना चाहती हूँ। ये बात मैं दिल से साबित करना चाहती हूँ, बस एक मौके की तलाश है। अगर आप चाहो तो मौका मत दो, मैं दूर से देख मुस्कुराती रहूँगी,
ना जाने कितना वक्त तक, पर मैं उसमें भी खुश हूँ। बस ये बातें आपको बतानी थी, ये जज्बात आपको बयां करना था, क्योंकि प्यार को अपने दिल में नहीं रखना था मुझे। कुछ अच्छा होने पे जो इंसान सबसे पहले याद आता है वो जिंदगी का सबसे कीमती पांडा है। ये माही के तरफ से है। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ऊपर वाले मेरे भाई को थोड़ा अकल तो दे। रियली रियली इसमें कुछ गम नहीं था। उसके बाद क्या है, फोकस कैमरा। थैंक यू माही। आप चेक भी कर लीजिए। माही को पता है कि मेरा फेवरेट चॉकलेट कौन सा है। पर मनी भी आप खोल के देखिए, कुछ काला लग रहा है। यही लड़की। अरे यार माही तुम ऐसा कर सकती है, तरीके 20 रुपए का पन्नी दी गई इसके अंदर दो कुछ 10 वाला डेयरी 10 वाला डाल दी। क्या ओरियो था? डेयरी मिल्क ओरियो। यहाँ का लिखा हुआ है, लिखा है तो जो लिखा है जो तकदीर में, तकदीर में वो मिटा देंगे। भाई के साथ हो तो तकदीर बना देंगे। वाह 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 वाह। ये मेरे तरफ से। बाकी सब तो ठीक है, पर आपका बनाया अच्छा बनाया हुआ चिकन मिस करेंगे, इसलिए जल्दी आइएगा। वाह। अब आपका ब्लॉग में कब आएंगे? जल्दी भाई ब्लॉग में जल्दी आओगे। नेक्स्ट टाइम जल्दी आइए, जल्दी आइएगा भैया। भैया फिर न्यू सरप्राइज रहेगा आपके लिए। वाह बोल दिखाइए। अच्छा वाह सही है भाई, इंतजार रहेगा सरप्राइज का मुझे आएंगे तो। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, विल मिस यू अ लॉट मनी भैया, जल्दी आइएगा। टाइम है भाई, नेक्स्ट मंथ है। आपके साथ नहीं रहेंगे। मिस यू अ लॉट पांडा। ओह अरे यार कैसा लगा हमारा सरप्राइज? माही के साथ स्कैम हुआ है, माही सबसे ऊपर लगाई। आप देखिए माही के साथ स्कैम हुआ है। हाँ सबका सरप्राइज कैसा लगा? अरे यार बहुत ही अच्छा लगा, अब सच पूछो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा मेरे लिए। और थैंक यू सो मच, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था और फिर किसी तक कंट्रोल कर लिए कि मम्मी लोग। मेरा डांस कैसा लगा? सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं होगा फिर भी बोलेंगे। नहीं, दिल को छू ली और बहुत ही अच्छा लगा। तो कैसा लगा कि मैंने घर पे ही सबके साथ मिलके डेट प्लान कर लिया आपके लिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ना कि ना प्लान तुम की बट एंजॉय तो दोनों किए ना। ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसा जरूरी तो ना कि लड़का ही प्लान करे, पार्टनर का ड्यूटी है कि एक इंसान बिजी तो दूसरा इंसान प्लान कर ले। इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है वो वाला दुनिया से बाहर निकलने के लिए कि लड़का ही सब कुछ करेगा और लड़की भी करती है, यहाँ एग्जाम्पल बताइए। सच में अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहते हैं भाई जैसा कोई नहीं, सही बात है, भाई जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ये सच है मेरे ख्याल से, कोई नहीं तू जैसा भाई।
यू हैव वन एंड ओनली ब्रदर, सही बात है। आपकी फाइट आर्ग्यूमेंट, आपको इरिटेट करना, कहां मिलता है मुझे ये सब, आपका प्यार, आपका बातें, और एक आप कोई चीज नहीं ऐसा और कोई है भी नहीं आप जैसा। आई मिस यू भाई, लव यू फॉरएवर, थैंक यू सो मच। डेकोरेशन है ये सब, थैंक यू सो मच। हम ये बिल बना रहे थे लेकिन दिल में बना गोल बन गया, दिल में बना गोल बन गया। सबका बस का बात नहीं है ये, जो भी की बहुत अच्छा किया, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही हाई। मैं एक्सपेक्टेशन अभी अगर होगा कि कभी अगर डेकोरेट करके इतना करेगी, बट ये इतना कर दिए, वही हम लोग सोच रहे हैं कि आपको पता चला चले दिए, पर हम लोग एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ये न्यू स्टैंडर्ड सेट कर दी है ये। तो सब अभी हम लोग बताए ऐसे डेकोरेट करना, इधर उधर फोटो वोटो जो जो निकालना है। चलो केक खाते हैं गाइस, अभी हम लोग ना रूफ टॉप आए हुए हैं खाना खाने के लिए, हमें से वो वहाँ का घर का पार्टी ख़त्म हो गया, तो ये मेरे को रूफ टॉप लेकर आई है रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, और थैंक यू सो मच इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए सब चीज़। सच पूछिए तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना कुछ कर देगी मेरे लिए, मैं तो एक बार इमोशनल भी हो गया था। और सच में इमोशनल हो गए थे? और क्या, कहाँ हुए थे? अरे हो गया था, मैं किसी तरह कंट्रोल किया। इमोशनल तो मैं हुई थी डांस करते करते, मेरा डांस भी बिगड़ गया, तो मैं ये तो इमोशनल हो गई थी पूरा, एक बार रोक के मैं फिर से ना रिकॉर्ड किया, ये बोली कि नहीं मुझे फिर से करना है डांस, तो मैं फिर से किया, मतलब मैं नहीं किया प्रिंस किया। तो अभी खाना का ऑर्डर हम लोग कर दिए हैं, अब खाना आएगा तो खाएंगे फिर घर जाएंगे, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं दिल से शुक्र गुजार हूँ और थैंक यू इसे करता हूँ कि इतने अच्छे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, और थैंक यू सो मच। अभी खाना आ चुका है और ये पहला बाइट, तो बनता है इतना करना क्योंकि चाहिए इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज की है, इतना तो बनता है। और अभी खाना खा के अब घर निकलेंगे, लेट बहुत हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस। अभी हम लोग खाना खा के घर आ चुके हैं, और ये घर आते आते फिर एक और सरप्राइज मिला मुझे, ये गुलदस्ता। 6 महीने पहले इन्होंने मुझे यही दे के प्रपोज किया, तो आज मैं रिटर्न कर रही हूँ उनको यही वाला सेम गुलदस्ता। सेम नहीं मतलब इस टाइप का दिया था, इस टाइप का नहीं, यही था वापस में 6 महीने वाला वो लेके आई पुराना वाला। इसमें गुलाब फूल देख के आप बता सकते हैं 6 महीने पुराना तो नहीं है। एनीवे थैंक यू, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा है इतना सारा सरप्राइज है, तो मैं आज एक बात दिल का जाहिर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ना लड़के लोग को ही मतलब जुटाना पड़ेगा या फिर प्लान करना पड़ेगा सरप्राइज, ये लड़की लोग भी कर देती है कभी कभी, और लड़कों को भी अच्छा होता है, और लड़कों का भी शौक होता है क्या यार कि लड़कियां उनके लिए कुछ करे, और क्या ऐसा कहाँ का नियम है कि लड़का ही सिर्फ करे, तो ये स्टेप ली बहुत अच्छा लगा, बहुत कम लोग में ऐसे गुण हैं, तो ये मुझे बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मेरे लिए ये की, और हम बहुत ही शुक्र गुजार हैं इसके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।